दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल के रैम और रोम के बारे में तो सुना ही होगा, क्या कभी आपने सोचा है कि रैम और रोम आखिर है क्या? तो चलिए मैं बताता हूँ। जब आप कोई भी ऐप को चला रहे होते हैं और उस ऐप को बैकग्राउंड में छोड़कर दूसरे ऐप चलाने लगते हैं तो वहाँ रैम काम करती है और आपके फोन में जितनी अधिक रैम होगी उतनी देर तक वो ऐप बैकग्राउंड में चलती रहेगी। रोम में आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जितना अधिक आपके मोबाइल में रोम रहेगा उतना अधिक डाटा आप मोबाइल में सेव कर सकते हैं। गाइस अगर कोई इस वीडियो से रैम और रोम के बारे में कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो।